Hey guys, what's up? मैं फ्रूट रिव्यू पर स्वागत है हमारे लव फ्रूट पे। और गाइस मैं जानता हूँ बहुत दिनों बाद आई वीडियो, लेकिन क्या कर सकते हैं। सो गाइस आई है तो चलो बनाते हैं। सो गाइस आ चुका है हमारे माइनक्राफ्ट में नया अपडेट केप्स एंड क्लिप। इसमें आया लेकिन क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में तो नहीं आया ना, तो क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में भी आ चुका है आज। जैसे हम लोग आयरन ओर को पहले तोड़ते थे तो हमें मिलता था आयरन इंगट, तो आप देख सकते हैं हमें मिलता है अब रॉ आयरन। यस, हर एक ओर के साथ वैसा है सिवाय कोल। कोल आपको पूरा ही मिलेगा, यानी अब आपको फर्नेस और कोल का इतना ज़्यादा काम है कि आप बिना कोल के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप आयरन भी नहीं ले सकते। जैसे ये हम लोग एक क्रिएटिव वर्ल्ड में जो MLG वाली वीडियो थी वो आपने नहीं देखी तो जल्दी देखो, बहुत एपिक है। मैंने क्या अन्नी को हराया है। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्रिएटिव में चलते हैं और तुम लोगों को सारे दिखाते हैं वो अपडेट। तो अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं क्रिएटिव में। तो फिलहाल मैं इस रवीन से बाहर निकलता हूँ, कितनी नीची है यार। तो ये देखो, तो सबसे पहला अपडेट अभी मेरे हाथ में ही है। ये देखो MLG वाली वर्ल्ड। तो ये रहा मेरा स्पाई ग्लास। तो इससे आपको नहीं पता तो आप मोबाइल में अगर आप खेल रहे हो तो इसको दबाए रखेंगे अगर एक एरिया पे, तो यहाँ पे जूम हो जाता है। ये बहुत एपिक चीज़ लाई है माइनक्राफ्ट ने। और इससे अब मैं रात होने दो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ इसका काम। फिलहाल देखो तो यहाँ पे एमेथिस्ट शार्ड भी आ चुकी है, क्योंकि माइनक्राफ्ट में भी हो रही है पॉइंटेड ड्रिपस्टोन। इसको अगर आप लगाएंगे इस वाले ब्लॉक पर तो ये बढ़, हम लोग जितनी बार लगाएं उतना बार बढ़ेगा ये। अरे क्यों नहीं बढ़ रहा है ये देखो, और बढ़ गया। जितना चाहे लंबा बना सकते हैं शायद, इतनी हाइट है क्या? अरे नहीं, अबे कितना लंबा है ये, अरे और लंबा हो रहा है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। बस मैंने सोचा था कि क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग वाले जल्दी अपडेट नहीं ला पाएंगे, क्योंकि क्लिप्स एंड माइनक्राफ्ट वाले बिल्डर्स बहुत अपडेट बनाते हैं, लेकिन इन्होंने तो सभी ले आया यार। तुरंत एक महीना भी नहीं हुआ, 2-3 दिन पहले ही आया ये अपडेट। हेलो बनी। तो जैसा आपको पता है कि माइनक्राफ्ट में कॉपर भी आ चुका है, तो इसमें भी आ चुका है कॉपर, ये देख लो। और इसमें जो डीप स्लेट वाला आया है और सभी में, वो भी इसमें आ चुका है, तो देख सकते हो आप जैसा। और इसमें रियल फिजिक्स भी डाली गई हैं। तो बस वार्डन अभी तक नहीं आया क्योंकि माइनक्राफ्ट में नहीं आया, तो जैसे ही माइनक्राफ्ट में आ जाएगा उसके एक हफ्ते दो हफ्ते बाद ये भी ले आएंगे। वेल यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो इन्होंने एनीथिस्ट भी ले आया है शायद, क्या नाम था यार उसका मैं भूल गया। यस एनीथिस्ट है ना, अरे क्या नाम है यार मैं भूल गया। खैर छोड़ो, यहाँ पे नीचे चलते चलते हम लोग देखते हैं क्या मिलता है हमें। और इसमें वैसे मैं दिखाना भूल गया, ये देखो टिंटेड ग्लास। तो जैसे हम, आपको पता है कि हम लोग सिंपल ग्लास तोड़ते हैं, जैसा मैं दिखाता हूँ तो ये सभी को पता होगा फिर भी। तो ये देखो लाइट ग्रे स्टेंड ग्लास है। अब इसको अभी वो गेम मोड क्रिएटिव चलते हैं, गेम मोड सर्वाइवल सॉरी। यहाँ से हम लोग सर्वाइवल में आ चुके हैं, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं तभी मिलती है, हमें नहीं मिलती है। तो मैं एप्पल खा रहा था और अचानक से पता नहीं रात हो गई, सर्वाइवल में था जैसा आपको पता है, तो मैं मर गया और पता नहीं मेरा सामान कहाँ है। खैर अभी हम लोग MLG करके चलते हैं, ड्रिंक का क्लच करेंगे हम लोग बेड पे। अरे नहीं करना क्लच, सीधा सिंपल स्लाइम पे भी नहीं कूद रहा यार मैं। शिट, इतना नूब कैसे हो गया मैं। एंड हेयर वी गो एंड हेयर वी टेक डैमेज। वो इतना डैमेज पहुंचता है क्या, आई डोंट नो। ओके यहाँ पे ही थे हम लोग, ठीक है कोई नहीं भाई, अपने को क्या है पानी निकालना है ना। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको तोड़े तो हमें कुछ भी नहीं मिला घंटा, और अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमें ये मिल जाता है। वैसे मेरे को रेसिपी नहीं पता यार कैसे बनाते हैं इसको। फर्स्ट यार सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल नहीं है क्या कहीं पे, यहाँ पे कोई नहीं, हम लोग पेड़ से तोड़ के ले लेते हैं। गाइस यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्राफ्टिंग टेबल लगा चुके हैं। यहाँ सर्च करते हैं हम लोग टिंटेड ग्लास कैसे बनता है। तो इसके लिए हमें ये एनीथिस्ट ग्लास शार्ड चाहिए। ओके दैट्स नाइस। और उसके बाद अगर हम देखा जाए तो स्पाई ग्लास कैसे बनाते हैं, तो स्पाई ग्लास भी, यानी यहाँ पे हर कुछ हम बना सकते हैं फिलहाल। और भी बहुत सारी अपडेट आई हैं जिसको हम लोग क्रिएटिव में चल के देखते हैं। हम लोग आ चुके हैं क्रिएटिव मोड में,
और अब यहाँ पर से चले और देखा जाए कि क्या क्या और क्या क्या आया था। तो हाँ, तो नए टाइप्स के ब्लॉक्स भी आए हैं। तो ये देखो, ये डायमंड और, ये आयरन का और, ये गोल्ड का और, ये भाई साहब क्या बिजली खड़ा करी है। और लैपिस और, यस, तो कोल का हमने दिखा दिया, कोल का नहीं दिखाया है शायद, कोई नहीं, ले लेते हैं। अरे एमरल्ड कैसे भूल गया मैं, एमरल्ड का ब्लॉक भाई, एमरल्ड ये भी यहाँ आ गया। सो अभी हम लोग यहाँ पर से अगर कोल तोड़ते हैं तो इसके लिए अब मेरे को, ये देखो सारे ब्लॉक, ये क्या लग गया यार, ये लैपिस, ये इलेक्ट्रियम, यहाँ पे गोल्ड और, यहाँ आयरन और, यहाँ डायमंड और, एंड हेयर वी गो विथ एन एमरल्ड और। सब सवाल में तोड़ के देखते हैं। गाइस हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पर से अगर हम लोग इसको तोड़ तो हमें एमरल्ड ही मिल रहा है, तो एमरल्ड का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। डायमंड में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है शायद से, जी हाँ डायमंड में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। आयरन में जी, आयरन गलत हो चुका है। तो यहाँ पर से अगर हम लोग गोल्ड तोड़े तो हमें रॉ गोल्ड मिल रहा है, इलेक्ट्रियम तोड़े तो तब क्या मिल रहा है हमें, रेडस्टोन मिल रहा है हमें, लैपिस तोड़े तो हमें मिल रहा है लैपिस लाजुली मिल रहा है, कोल तोड़े तो कोल ही मिल रहा है। हाँ, तो तीन चार ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनको तोड़ने पे अब हमें रॉ मिलेगा, तो जिनको हम शायद से पका सकते हैं, पता नहीं कैसे यार, आई डोंट नो, सीरियसली डोंट नो। अब यार एक तो मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल नहीं है यार, मैं इस बार शीट्स यूज़ कर रहा हूँ, स्लैश गे, अरे भाई क्या लिख रहा मैं, अरे मेरी राइटिंग स्किल्स को क्या हो गया, अरे भाई क्या हवा चल रही है आज फिर से, एकदम मैं खिड़की के बाहर एकदम ठंडी ठंडी हवा लेके। तो यहाँ पे से अभी क्राफ्टिंग टेबल निकालते हैं हम लोग और इसको यहाँ बना देते हैं, और यहाँ पर से यहाँ पे एक फर्नेस बन चुकी है। तो मैं देखना चाहता कि हम लोग रॉ अगर कुछ भी को पिघलाते तो हमें क्या मिलता है, तो इसको पिघलाएंगे तब हमें आयरन गेट मिलेगा, जो कि बहुत सही है यार, बहुत थोड़ा अब कोल की अहमियत बहुत बढ़ गया, जिसको कोई भाव नहीं देता था देखते हुए, अब हर कोई को मांगेगा। वैसे एक और बात मेरे को चीज़ चाहिए देखनी है, तो वो अभी हम लोग क्रिएटिव में चल के देखते हैं। बस तो जैसे एक नया पेड़ भी और एक नया बायोम आया है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं, सैपलिंग, ये देखो, तो ये तो डार्क ओक है, एकेकिया है, ये सब तो आए हुए थे ना, क्या पता यार कोई नया एक आया है नया, पता नहीं क्या है वो, ब्लॉक्स टाइप में है कुछ, पता नहीं कैसा यार वो आया है, पर हाँ आया ज़रूर है। सो इसका कॉपर और देख सकते हैं आप कैसा है कॉपर और, और ये डिस्प्लेटेड डिस्प्लेटेड डिस्प्लेटेड, ये सब डिस्प्लेटेड है, तो ये नया आया है। वे एक और नया ये देखो, ये आया नया बायोम वाला, इसका नाम है फ्लावर्ड एजेलिया, एजेलिया सर्च करते गाइस हम लोग, एजेलिया एंड हियर वी गो। तो अब हमें मिलता है यहाँ पे ये और ये और ये और ये, इसके चार चीज़ें आई हैं, तो ये काफ़ी सुंदर है यार देखने में। वैसे इस पर फूल लटके हुए, जो कि थोड़ा पेड़ जैसा है, अगर इस पर बोन मिल मारे तो क्या होगा, ये निकालो बोन मिल, अरे भाई तो उगता भी है यार, मैंने एक वीडियो में देखा था उगता है ये, अरे ये क्या होने लगा, अरे उगेंगे ही नहीं ये तो। फिर अगर हम लोग इसको अगर उगाए, ये नहीं उगते, ये नहीं उगते, तो इसमें हमें फूल देखने को मिल रहे हैं। तो अब अगर हम लोग इसको यहाँ पे प्लांट किए, अरे और भाई मैं अटक गया, अरे यार ये क्रिएटिव में कौन अटकता है यार। तो इसमें फूल आ गए हैं और ये फ्लावर है चीज़, अच्छा यहाँ पे जगह ही नहीं है, और अगर इसमें भी फूल आए तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अलग क्या है भाई, एक मेरे को ये बात समझाओ पहले। खैर कोई नहीं, तो अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है क्या, नहीं 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 और भी बहुत कुछ नया आया है, वार्डन में बस आना बाकी है भाई, वार्डन आ जाएगा तो। हाँ वैसे मैंने को वो जो एक नया बायोम आया है ना, एनिथिस बायोम, हाँ वो मेरे को देखना है गाइस, वो मेरे को सच्ची में देखना है, वो मेरे को एनिथिस बायोम एक है, अच्छा सा बायोम है एनिथिस बायोम भी यार, मिलता क्यों मेरे को, बहुत ज़्यादा खोदने पर भी नहीं मिला, तो आया होगा लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा है, मैं इतना अनलक्की हूँ यार, मैं तो अनलक्की हूँ ही वर्ल्ड में। गाइस आप लोग मुझे अनलक्की मत बनाओ,
आप मुझे सब्सक्राइब करके लकी बनाओ। और वैसे मेरे से एक कमेंट में एक बंदे ने पूछा था कि भाई हम लोग ये वाला कैसे कर सकते हैं, जैसे स्लिक टच कैसे लगाए। तो देखो, स्लिक टच आपको कैसे भी मिल सकती है, जैसे आपको पहले बुक्सेल्स लगानी होंगी, कुछ इस तरह से ऐसे लगाते चलो आप, ऐसे चार ब्लॉक। फिर आपके हाईएस्ट लेवल एन्चेंटमेंट चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो। फिर ये यूज़ यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और अरे ये नहीं लगना था, अरे यार ये भी नहीं लगना था ऐसे। एंड हेयर वी पुट अ क्राफ्टिंग एन्चेंटिंग टेबल। ये मिल गया हमारा एन्चेंटिंग टेबल। तो इफ़ देखो, अगर आप यहाँ पे ये लगाए हम लोग और अपने आयरन के पिकैक्स को यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिल रही है अनब्रेकिंग 1, अनब्रेकिंग 3 एंड सिल्क टच 1। तो देखो, आपको सिल्क टच ऐसे ही मिल सकती है, कैसे भी आप कुछ बुक्सल्स को लगा के लो। तो देखो, तो मुझे मिल चुकी है यहाँ पे सिल्क टच वाली ये पिकैक्स। वेल, तो यस, आज के लिए बस इतना ही। हम दिखा रहे थे बस यहाँ का नया अपडेट, जो कि गाइस मेरे को लगता है कि ये क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग इज माइनक्राफ्ट है यार। वैसे मैंने अपना नया वर्ल्ड बनाया सर्वाइवल की, जिसकी सीरीज भी आएगी और फ्री फायर की भी आएगी। गाइस मैं फ्री फायर भी खेलने लगा हूँ आजकल, बहुत अच्छा लगता है यार मेरे को खेलने में। वैसे काफ़ी अच्छा गेम तो है ही, पर मुझे भी अब अच्छा लगने लगा है, तो हम लोग भी उस पर वीडियो भी बनाएंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और एक बंदे और एक कमेंट याद आया, अभी मत जाओ यार, अभी मत जाओ तुम लोग। देखो तो मेरे को एक और बंदे का कमेंट आया कि स्केलेटन मारो, किधर है स्केलेटन। अब जब ज़रूरत होती है तब मिलते नहीं है, ऐसे ऐसे मंडराएंगे जैसे उन्हीं का सर है। हाँ ये मिले स्केलेटन, देखो इसको नेदरराइट से मारेंगे, मरता ही नहीं है। चार स्केलेटन है तो सभी एन्चेंटेड वो, नाइस। यहाँ पे और स्केलेटन तो निकलो, तुम लोग कहीं भी आ जाते हैं। और ये इनकी प्रॉब्लम क्या है यार, इतने गोल्ड के आर्मर इनके पास आते कहाँ से। खैर वो छोड़ो, यहाँ पे देखो ये रुइंड पोर्टल है, अच्छा खासा बड़ा है। तो यहाँ पर से हम लोग ले लेते हैं कुछ कुछ सामान, क्या क्या है वैसे चेस्ट में देख लेते हैं। तो 9 फ्लिंट है, 5 ऑब्सीडियन है, सिल्क टच 1 अभी मेरे पास भी है यार, थॉर्न्स, नाइस। तो क्या ये नदर पोर्टल कंप्लीट होगा, देखते हैं। अरे यार नहीं देख रहा मेरे को, तो लगाया अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चलो नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। और नहीं मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।